राधे राधे दोस्तों, अब आपके घर में जब भी गेस्ट आए तो आप एक बार इस तरह की भरवा शिमला मिर्च बनाकर खिलाइए। यकीन मानिए, आपके घर वालों के साथ साथ मेहमान भी हो जाएंगे आपकी रेसिपी के दीवाने और पूछेंगे आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। तो चलिए आप भी फटाफट से बनाना इसको सीख लीजिए। ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। देखिए, हमने 4 शिमला मिर्च ले ली है और ध्यान रखिए, जब भी हमको शिमला मिर्च बनानी है तो हम कोशिश करिएगा कि इक्वल साइज में शिमला मिर्च लें और थोड़े से छोटे साइज में होनी चाहिए। बस अब देखिए, हम इसे ऊपर से कट कर लेंगे, यानी हमें इसमें एक होल करना है। तो हम इसका ये जो डंठल है बड़ा सा, इसको राउंड राउंड नाइफ को घुमा के इस डंठल को निकाल लेंगे। अब इसी नाइफ की हेल्प से इसके अंदर जो बीज या थोड़ा बहुत गूदा रह गया है ना, उसे भी हम निकाल देंगे। तो बस देखिए, इस तरह से हम फिंगर की हेल्प से पूरा गूदा और इसके अंदर जो बीज है वो निकाल लेंगे। ये देखिए, और ये बिल्कुल खोखली हो गई है क्योंकि अब इसमें भरनी है हमको फिलिंग। तो बस इसी तरह से हम चारों शिमला मिर्च के डंठल निकाल कर इसको खाली कर देंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, चारों शिमला मिर्च हमारी खाली हो चुकी है और इसके अंदर से बीज भी निकल गए हैं, ये देखिए। तो बस अब शिमला मिर्च को करते हैं साइड और रखते हैं फ्लेम पे छोटी सी कढ़ाई। ये देखिए, छोटी सी कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है क्योंकि अब हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमको शिमला मिर्च को फ्राई करने में गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, हाई फ्लेम में मत कीजिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी और पकेंगी नहीं। तो स्लो फ्लेम में अगर हम शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे तो इसका कलर भी प्रॉपर रहेगा और ये पक भी जाएंगी। तो बस अब हम इन्हें स्लो फ्लेम पे उलटते पलटते जब तक फ्राई कर रहे हैं तब तक फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो भाई, फ्री की चीज में कंजूसी कैसी, तो कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको उलटते पलटते से सेक ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसे हमें स्लो फ्लेम में ही सेकना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए हमने इसे फटाफट से सेक लिया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हम यूं हिलाते हुए निकालेंगे जिससे अगर इसमें ऑयल होगा तो ये वापस इसी में आ जाएगा। और देखिए, अब हमें कढ़ाई से ऑयल थोड़ा कम कर लेना है क्योंकि अब हम इसमें पोटैटो फ्राई करने वाले हैं। ये देखिए, बस थोड़ा सा ही ऑयल रहने देना है और 1/2 टीस्पून जीरा, और देखिए थोड़ा सा हमने ये अदरक डाल दिया है ग्रेट करके, और ढेर सारा प्याज। तो फ्रेंड्स, इसमें प्याज बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप खाते हैं तो जरूर से डालिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो कोई नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें, और साथ ही मिक्स करेंगे 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। तो अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो गरम मसाला डाल दीजिए, पर डाल जरूर से दीजिएगा। और ये देखिए, बस जैसे ही हल्का सा मसाला भुन जाए, हमको डाल देना है ये 3 पोटैटो। तो हमने इनको बॉइल किया था और बस उसके बाद हमने इन्हें छील कर मैश कर लिया है और इसको डाल देना है। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कलर आ रहा है ना इसका। तो और देखिए, आप पोटैटो को देख के ही समझ सकते हैं कि हमने ऑयल बहुत कम यूज किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी सब्जियों में ऑयल थोड़ा कम यूज किया करिए जिससे हेल्दी रहे हम लोग। और देखिए, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हमको नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून हमने अमचूर पाउडर मिक्स कर दिया। इसकी जगह आप एक नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं या फिर चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, जरूर से डालिएगा। और बस लास्ट में डाल देना है हरा धनिया। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया आलू फ्राई हो चुका है फिलिंग के लिए। और अब देखिए, ये हमारे पास उबले हुए मटर रखे थे तो हमने इसे नमक डालकर उबाला था दूसरी रेसिपी के लिए, तो बस थोड़े से मटर हम इसमें भी मिक्स कर देंगे। अगर आप तुरंत डाल रहे हैं तो पहले ही डालिएगा। और आप देखिए, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और शिमला मिर्च भी देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो बस अब इसमें हम ये पोटैटो की फिलिंग भर देते हैं। देखिए, हम इसे फिंगर की हेल्प से भरेंगे, इससे फ्रेंड्स ये पोटैटो जो है अंदर तक अच्छे से थोड़ा ज्यादा सा भर और भरने में भी सुविधा हो जाती है, फटाफट से भर जाता है। ये देखिए, कितनी जल्दी से पोटैटो भर रहा है ना, और इससे काफी ज्यादा पोटैटो भर जाता है। देखिए, हमें इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना पोटैटो भर देना है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है फ्रेंड्स इस तरह की शिमला मिर्च का। तो मेरी रिक्वेस्ट पे फ्रेंड्स, एक बार इस तरह की शिमला मिर्च बनाकर जरूर खाइएगा। यकीन मानिए, आपकी फैमिली के साथ साथ आपके घर में जो गेस्ट भी आएंगे ना, आप अगर उन्हें बना के खिलाएंगे तो वो भी आपके दीवाने हो जाएंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इसकी रेसिपी जाने बिना। और ये देखिए, हमने चारों शिमला मिर्च में पोटैटो भर दिए, अब बचा है इतना सा पोटैटो।
तो फ्रेंड्स ये जो आलू का मिक्सचर बचा है इसे हम आगे यूज करेंगे। तब तक देखिए हम ग्रेवी के लिए ये प्याज टमाटर पीस लेते हैं। देखिए हमने एक प्याज ले लिया, 8-10 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेना। उफ, कटोरी इसी में छूट गई फ्रेंड्स। बस ये देखिए दो बड़े टमाटर ले लेने हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए इसको हमने पीस लिया है, तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। देखिए इस तरह से ही पेस्ट बना लेना है। और बस जितना ऑयल देखिए हमने पहले निकाला था ना, तो बस वही ऑयल हमको फिर से डाल देना है। और डाल देना है 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज पत्ते। और बस जैसे ही जीरा छटक जाए, जो प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा है ना, वो डाल देना है। और इसको स्लो फ्लेम में या मीडियम फ्लेम, और ये देखिए फटाफट से भुन के तैयार हो जाता है। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज में आके हमको डाल देना है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो बस फ्रेंड्स, और ये देखिए 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला मिक्स कर दिया है। और ये देखिए जो पोटैटो हमने बचाया था ना, पोटैटो का मिक्सचर, ये भी डाल देना है। तो जितना बचाया था उससे आधा हमने इसमें यूज किया है, बाकी रहने ही दिया है। और बस देखिए इसे थोड़ा सा भूनना है। और इसके बाद देखिए रिच फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून फ्रेश मलाई। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रेश मलाई रहती है ना, इससे जो सब्जी में तीखापन होता है और इसमें एक रिच फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगता है। और कलर के लिए देखिए हमको कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है, इससे हमारी सब्जी देखने में बहुत खूबसूरत लगने लगती है, इसका कलर रेड रेड सा हो जाता है। तो बस यही वो चीज है जिससे कलर परफेक्ट आ जाता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप लाल मिर्च ज़्यादा यूज कर सकते हैं, पर हम लोग कम तीखा खाते हैं इसलिए हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करते हैं। और बस देखिए आधा गिलास हमने पानी डाल दिया है। और बस फ्रेंड्स अब हम इसे स्लो फ्लेम में भूनेंगे। देखिए थोड़ी सा जैसे ही ऑयल रिलीज हो जाए, बस हमको डाल देनी है अपनी ये चारों शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स देखिए हम इन चारों शिमला मिर्च को इसी में रख देंगे और इसको अब हम चलाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमें इस तरह से इन्हें चलाना है कि इससे पोटैटो बाहर नहीं आ पाए, यानी कि थोड़ा सा केयरफुली चलाना है और ग्रेवी इसमें अच्छे से लिपट जाए, जिससे इसमें टेस्ट आ जाता है, ग्रेवी में पोटैटो का आ जाता है और पोटैटो में कैप्सिकम का आ जाता है। और बस सारे मसाले और पोटैटो का जो मिक्सचर होता है सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, टेस्ट बहुत यम्मी हो जाता है। बस इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और बस देखिए 2 मिनट बाद ही, सिर्फ 2 मिनट बाद ही देखिए ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है और बस बढ़िया से मिक्सअप हो गई है सब्जी। बहुत अच्छी देखने में, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और टेस्ट तो वाओ, आप जब इसे टेस्ट करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। और इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। और बस इसके ऊपर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। और बस देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स तैयार हो गई है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपने ये सब्जी कब बनाई और किसको खिलाई और किस किस को पसंद आई। फ्रेंड्स ये बिल्कुल नई रेसिपी है शिमला मिर्च की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, क्योंकि वाकई में इसका टेस्ट बहुत यम्मी लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है ना। बस इसके ऊपर थोड़ी सा हरा धनिया का गार्निशिंग और कर देना है, जिससे खूबसूरती में 4 चांद लग जाए। ये लीजिए परफेक्ट तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको कट करके और दिखा दे रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर ये पोटैटो की फिलिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, बाहर से ग्रेवी और अंदर पोटैटो की फिलिंग, क्यों है ना, बिल्कुल हरके सुपर टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। तो इतनी सुपर टेस्टी सब्जी के लिए एक बार ट्राई करना तो बनता ही है, और उसके बाद भी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इस सब्जी का टेस्ट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।